What's up Gap Gang, welcome back to another. अब Spider-Man बन चुका है तुम्हारा भाई, तो Spider-Man वाली PUBG Mobile की वीडियो। तो आज लाइक तुम्हारे भाई ने वापस कपड़े पहन के अपने पुराना लाइक होते ना लाइक स्पाइडी सेंसेस लाने के लिए तुम्हारे भाई ने स्पाइडरमैन वाले कपड़े पहन लिए आज। तो अभी तो हम वैसे अपने लाइक प्यार से दो कीड़े के आइलैंड पे हैं जहाँ पर हम हमेशा होते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार लाइक पहले पता तुम्हें एक जगह थी शैनॉक में जहाँ पर तुम उतरते थे, अभी भी वहीं उतरते हैं, वो एक्चुअली पार्ट है मैप का। तो इरेंगल में भी वैसे ही होना चाहिए, कभी याशना गिरा दो, कभी लाइक जॉर्जपुर गिरा दो स्पॉन आइलैंड की जगह। यार कितना टाइम हो गया स्पॉन आइलैंड आते आते, लाइक कभी कभी तो लगता है कि भाई एक बार लाइक घर ही बना लूँ यहाँ पर ना, अपनापन आता है जोर से इरेंगल में। स्पॉन आइलैंड में मेरे को अपनापन नहीं लगता, बट कुछ नहीं होता भाई, किसी दिन स्पॉन आइलैंड भी चलेंगे हम लोग। बट एनीवेज आज मैं खेल रहा हूँ हाइसनबर्ग जो कि एक अच्छे प्लेयर हैं, साथ में साइको भैया जो हमारी क्लैन के मेंबर है, रियो भैया जो कि एक और हमारे क्लैन के दो कड़ी के प्लेयर हैं। एंड आज हम बहुत टाइम बाद जा रहे हैं पोचिंकी में। अब पोचिंकी के अंदर जब गन फाइट होती है ना तो तुम लोगों को दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए किस्मत जो कि मेरे पास कभी कभार होती है, एंड दूसरी चाहिए तुम्हें अकल। अगर तुम्हारे पास एक भी चीज़ मिसिंग है तो तुम्हारे लंबे लंबे अंदर घुसने वाले लग जाएंगे। अब सीधी बात ऐसी है, तुम्हारा भाई स्पाइडरमैन बन के उतर तो गया, बट अब तुम्हें भी पता है बिना जाल के स्पाइडरमैन किसी काम के नहीं था। वैसे ही किंग एंड्रू भैया बिना गन के किसी काम के नहीं है। तो मैं भागा भागा गन के लिए जा रहा था, मैंने एक बंदे के फुटस्टेप सुन लिए थे कि कोई भागा भागा आ रहा, तो मेरी फट गई थी पूरी तरीके से कि भाई चारों तरफ बंदे गिरे पड़े हैं मेरे पे, गन के नाम पे है तो घंटा। बट अब इन्हें का पता था कि मेरे को मिल जाएगी AKM, एंड तुम्हें तो पता है ना AKM हालांकि दो केड़े की गन है बट अंदर तो सभी जानते हैं कि भैया इसका एक हेडशॉट आपकी ज़िंदगी के लिए हानिकारक है। अब इन दो बंदों के साथ स्कैम करके मैंने सोचा यार ये तो अच्छा नहीं हुआ बेचारों के साथ, बट मैं बैठ के आराम से टीपी पे लेने लग गया। कॉस मेरे पास कॉल आउट आई थी कि इनका जो तीसरा नोबड़ा बंदा है वो आ गया है मेरे से पंगे लेने। बाय द वे इससे पहले कि हम और बंदों को मारे नीचे जा करके तुम लोग, वाओ नोटिफिकेशन, ओ माय गॉड थैंक यू सो मच 2KD का S10 प्लस। वैसे तो तेरा कुछ काम धाम है नहीं आजकल, तो यही करने लग गया तो नोटिफिकेशन वाह। तो अगर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो नीचे जा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड उसी के साथ साइड में जो घंटा है उसे भी दबा सकते हो, जिससे तुमको लाइक मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, तुम मिस ही नहीं कर पाओगे और लाइक फर्स्ट आओगे हमेशा मेरी वीडियो देखने। लाइक क्या ओपी चीज़ है ना, मेरे को पता है तुम लोग स्कूल में तो फर्स्ट आते नहीं, तुम रात के 2 बजे में तुमको जो वीडियो दिखाता हूँ। बट अभी जब पेपर वेपर होंगे तो सो जाना, अच्छा नहीं लगता, तो मैं अभी जल्दी वीडियो डालता हूँ 12 बजे तुम्हें पता होगा, एंड लाइक भी कर देना नीचे जाकर प्लीज़। इस काले बंदे को देख के मेरे को असली सस्ते नशों की लाइक डेफिनेशन होती है ना उसका मतलब पता चल गया। कॉज ये बंदा जैसे झुक के भाग रहा था ना, मेरे को तो लग रहा था कि भैया ये बंदा मारना नहीं चाहता, ये कुछ और ही करना चाहता है। मैं तो कंफ्यूज हो गया एक बारी को कि ये चाह क्या रहा है। एंड फिर ये जो बंदा था मेरे सामने जो टीपी भी ले रहा था, इसको जब मैंने AKM से पीला तो ये कंफ्यूज हो गया कि सांस कहाँ से ले और टीपीपी कहाँ से ले। एंड अब बेचारा ना टीपीपी ले पाया ना घंटा कुछ ले पाया, अब मेरे को लग रहा था कि पोचिंग ही पूरा ख़त्म हो गया। बट अब हमें का पता था कि एक और स्क्वाड अभी यहाँ बैठी है, एक्चुअली 2 स्क्वाड बैठी है, आपस में लड़ रही है। तो तुम्हारा भाई तो अब थर्ड पार्टी करने जाएगा ही ना, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सब करता है तुम्हारा भाई, कभी कभी 8वीं पार्टी भी कर देता है। ओपन से एक रोड से भाग गया। इस बेचारे को ज़्यादा किल ना मिले इसलिए मैंने इसकी यही क्रेड बना दी बहुत ही अच्छे तरीके से, बेचारा कुछ कर ही नहीं पाया, भाग रहा था यार। मैं सही बताऊँ तो मेरे को बुरा लगा उसके लिए, कॉज वो बंदा तो बड़ी मासूमियत से ओपन में भाग के जा रहा था, वो अलग बात है, मैंने वहाँ पे उसे M4 से पेल दिया। एंड उसका जो नूबड़ा बंदर था वो यहाँ बैठा हुआ है, तो मैंने कहा ओ माय गॉड अल्ट्रा लेजेंड तो यहाँ पर है। तो मैंने सोचा इस अल्ट्रा लेजेंड का थोड़ा दिमाग टेस्ट करते हैं, देखते कैसे प्लेयर है। तो मेरे को कॉल आउट आ चुकी थी ये बालकोनी में बैठा है, तो मैंने अब इसके साथ दिमाग से खेला। सही बताऊं तो इसको मारते हुए मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा, कॉज बंदे पे VSS थी, एंड इसने मेरे को लगा, इसको लगा कि मैं CD पे आ रहा था, इस बंदे ने VSS का प्री फायर दे दिया। एंड मेरे को भी पता है कि VSS में घंटा गोलियां नहीं आती, मतलब 10 गोली सारी आती है,
वो बेचारे ने वैसे मार दिया, अब उसको रीलोड करते करते इसको साल लग गया, बेचारा रीलोड ही कर रहा था, उसी में एनवर भैया ने घुस करके उसकी क्रेट बना दी। बट अब हम स्कूल अपार्टमेंट जा रहे थे एंड जाते जाते ये बॉट टाइप बंदा दिखा। अब ये बॉट टाइप इसलिए था कॉज यहाँ पे नॉर्मली बंदा ऐसे खड़े नहीं दिखता, बट मैंने कहा चलो अपनी केड़ी बढ़ाता हूँ इस बॉट को मार के। बट अब हमें का पता था कि ये असली नोबड़ा है एंड इसके इसने मेरी एचपी की बैंड बजा दी थी। भैया क्या मारा इसने मेरे को, हाय हाय एचपी की बैंड बजा दी मेरी पूरी। एंड मेरे को लगा था कि ये अकेला क्यों घूम रहा है इधर, तो मैं आराम से बैठ के लूट रहा हूँ, मेरे को लग नहीं रहा था कि कोई और है। बट एक और बंदा इनका था, वो छुपा हुआ था, पता नहीं क्यों नोबड़े ऐसे छुपे हुए थे। इनका सीन तो भैया मुझे तो घंटा समझ नहीं आ रहा था, क्या बताएं बस। आजकल अपार्टमेंट्स तो लाइक बहुत खतरनाक जगह है, सही बताऊं सबसे खतरनाक जगह एक्चुअली में याशना है पोलियाना। और एक बार तुम वहां घुस गए ना तो जिंदगी में कोई बाहर नहीं आओगे, क्योंकि वहां पे हर जगह खड़े होकर टीपी भी ले सकते हैं। एनिमीज अहेड, हां हां इधर आओ जा ऊपर। क्या अलग ही बंदा है भाई, भाग रहा है इधर। तो इस बंदे को मारने के बाद तुम्हारा भाई आराम से स्वैग में खड़े होके ड्रिंक विंक पी रहा है, पेन किलर वेन किलर मार रहा है। एंड फिर हम लोग गाड़ी लेकर निकले याशना है हमें, जहाँ पे मैं कह रहा था सबसे खतरनाक जगह। और ये मैं बताता हूँ आज तुम्हें खतरनाक जगह क्यों है। ये देख रहे हो सामने जो अपार्टमेंट है ना, ये अपार्टमेंट, हाँ ये वो अपार्टमेंट है जो कि दिखने में अच्छा होता है बट पबजी में उतना ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इस अपार्टमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है ना कि यहाँ पे बंदा कहीं भी खड़े होकर टीपी भी ले सकता है। एंड मैक्सटन जैसे प्लेयर तो भैया ऐसा टीपी पी लेंगे तुम घंटा कुछ उखाड़ ही नहीं पाओगे। तो अब मैक्सटन भाई के टीपी से बचने के लिए तुम लोगों को लगाना पड़ेगा अपना 2 KD का दिमाग, या फिर कह सकते हैं 15 KD का दिमाग। तुम लोगों को खरीदने होंगे महंगे वाले हेडफोन, जैसे कि मेरे पास है हाइपर क्लाउड 2। तो अब हाइपर एक्स क्लाउड 2 का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि साउंड अच्छे आते हैं, तो मेरे को पता चल जाता बंदा का है। तो मेरे को पता था कि एक बंदा ऊपर राइट साइड में बैठा हुआ है। एंड फिर मैंने एक नेड फेंका एंड फट गया। टॉप फ्लोर है क्या? अभी इधर अंदर हील कर रहा है। देख रहे हो अपार्टमेंट का नुकसान, उस बंदे ने ऐसा एंगल होल्ड कर रखा था, मैं जैसे ऊपर है उसमें टकले पे सिर्फ 2 गोली मारी। एंड उसके पास आई थिंक AKM थी। एंड तुम्हें तो पता है ना AKM टकले पे मारोगे तो भैया सामने वाले का टकला सूझ जाएगा, लाल लाल हो जाएगा टकला। तो अपने टकले को बचाने के लिए पहनी लेवल 3 का हेलमेट, बट AKM से तो वो भी नहीं बचता। बट तब भी तुम 2-3 गोली के तो मेहमान हो गए, अभी ऐसे में तो लेवल 1 का हेलमेट नहीं बच सकता, चांस ही नहीं है, लाइक उसको 2 गोली में साफ कर देगा इसलिए बंदा। तो इधर मैं जा रहा था, मेरे सामने एक बग्गी थी, हम बग्गी को फॉलो कर रहे थे, इतने में लेफ्ट से पूरी स्क्वाड आ गई और बग्गी वाले पर एकदम चारों तरफ से यहाँ पे घिर गए थे। तो भाई तुम्हारे भाई ने तो आराम से दिमाग लगा करके ज़्यादा फाइट नहीं ली ना। रियो यहाँ पे देखो स्वैग बन रहा था ज़्यादा, उसके अंदर स्वैग आ रहा था भी अब तो मैं मार के आऊँगा सबको। बट अब उसकी तो क्रेट बन गई। और जाओ सांपों की नगरी में ओपन में भागते हुए सांपों के बीच, घंटा जिंदा नहीं बचोगे। कितनी बार बोला है कि सांपों की नगरी में ओपन नहीं भागते, गाड़ी लेकर के जाते हैं। बट अब ये नूबड़ों को कौन बताए कि सांप की नगरी बहुत खतरनाक, उनका एक जहर का लाइक उसका एक दांत ना तुम्हारी क्रेड बना सकते। बिकॉज लाइक तुम्हें तो पता है ना सांप एक ऐसी चीज़ है लाइक तुमको जब वो नॉकआउट करेगी ना तुमको खत्म ही करेगी, तुमको नॉकआउट करके छोड़ेगी ही नहीं। लाइक जब मैं खुद सांप बनता हूँ मैं खुद इतना जहरीला होता हूँ कि बंदा जिंदा से क्रेड कम बन जाता, मेरे को खुद पता नहीं चलता। तो कृपया करके सांपों की नगरी में ना जाए भैया, सांपों की नगरी में बहुत उल्टे काम होते हैं, बहुत एक तरह से अंडरवर्ल्ड है पबजी का सांप। एंड हम यहाँ से घूमते फिरते जा रहे थे, इतने में हमको पता चला कि यहाँ पर बंदे, और तुम्हारे भाई का तो पूरा जोश आ गया, वो क्या उड़ के गया यहाँ से धूम 4 की शूटिंग करते। मैंने कहा भाई अब तो शायद मेरे को ही बुला ले आमिर खान की जगह, बट अब आमिर खान की एक्टिंग एकदम ओके है क्या बताएं। तो ये बंदे यहाँ पे खड़े होकर टीपी भी ले रहे थे। अब स्क्वाड हाउस के ऊपर टीपी भी लेने का ट्रेंड लाइक बहुत पुराना है, बट एक तरह से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी यूज़ होता है, लाइक एक तरह से बहुत ज़्यादा यूज टेक्निक है। बंदे आते हैं स्क्वाड हाउस के ऊपर खड़े हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे नॉर्मली कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ना बंदों को खड़े हुए, लाइक कोई क्यों सोचेगा कि भाई यहाँ खड़े होने की जगह नहीं, तो वहाँ बंदा चढ़ा हुआ है। अब स्पाइडरमैन तो खेल नहीं रहे हम, ना ही फोर्टनाइट खेल रहे हैं, बट पबजी में ये सब चीज़ें भी पॉसिबल है कि तुम बिल्डिंगों के ऊपर ऐसे चढ़ जाओ जैसे कि स्क्वाड हाउस होता है। एंड एक बंदा इनका ऐसे घूम रहा था, मैंने वेट कर, मेरे को पता था इनमें से एक ऊपर वापस आएगा। एंड वो जैसे ही ओपन में आया
उसको मेरे मिनी का स्प्रे खाना पड़ गया एंड वो नॉकआउट होकर रो रहा होगा अब तक तो मेरे को पता है, कंफर्म है भैया। एंड गाइस बाय द वे नीचे जाकर के मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जहाँ पर मैं अपने मिनी के स्प्रे स्क्वाड वाइप्स डालता हूँ, तो जाकर फॉलो कर सकते हो आप। एंड फिर हमने पुश कर दिया लास्ट गाय अंदर है क्या इन बंदों को मारने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज़ आई यार, जब मैंने ऐसा मारा है तो लाइक अब मेरे को कुछ तो चाहिए। तो अब ऐसा करो अपनी जो एक्स के बॉयफ्रेंड का जो गर्लफ्रेंड था पुराना वाला उसके अकाउंट से भी तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। यस वो मेरे को पता है तुमने अपने लाइक ज़्यादातर अकाउंट्स में को सब्सक्राइब कर दिया, बट कैप गैंग मेरे को पता है तुम लोगों ने अपने कुत्ते बिल्लियों के अकाउंट से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ गाइस कर दो यार, देखो लाइक हमारा जो मेन गोल अभी 1 मिलियन का, तो नीचे आके सब्सक्राइब करो। एंड लाइक करने की तो बात है, हमारा लाइक का गोल पूरा का पूरा 3 लाइक का है। हम सिर्फ 3 लाइक का गोल रखते, ज़्यादा का नहीं रखते। तुम तो जानते ही हो तुम्हारा भाई बहुत अच्छा प्यारा बच्चा है, ज़्यादा का लाइक मांगता नहीं कुछ। एंड ये जो सांप था, मैंने कहा था ना सांप की नगरी में बहुत ज़्यादा जहरीले लोग रहते हैं, बचता नहीं है, कोई एक बार आता है तो डायरेक्ट मर जाता है। तो मेरे को वो बंदा दिख नहीं रहा था जिसने एक्चुअली यहाँ पे साइको को नॉकआउट करा, तो मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। मेरे को जैसे ही वो दिखा ना मेरे मुंह पे पत्ता आ गया। लाइक कभी ये चीज जिंदगी में पॉसिबल थी, मैंने सोचा नहीं था, बट अब है तो है, क्या करें। लाइक पबजी वालों काटना वाड़ना को बुलाओ, पत्ते वत्ते काटो भैया, ये क्या है ये पत्ता नहीं सॉरी घास आ गई, मैं पत्ता क्यों कह रहा हूँ, लॉल दिमाग तो देखो मेरा। तो लाइक किसी को बुलाओ भाई, घास काटो भाई, यहाँ पे रैंगल में इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी घासें हो गई, शैनॉक बना दोगे थोड़े दिन में तुम तो भाई रैंगल को। ऐसे तो भाई क्या चल रहा है पबजी में आजकल ये, एंड ज़्यादा भी मत काट देना, पता चला रैंगल को इन्होंने मेरा मारी बना दिया उठा करके, फिर तो लाइक अलग ही स्कैम हो जाएगा हमारे साथ। बड़ा एनीवेज फिर हम जा रहे थे एंड फिर सामने एक मेरे को बंदों की इन्फॉर्मेशन पता चली और फिर हम घुस गए। एंड सही बताऊं तो ये जो आखिरी बंदा था ना इसको मैंने एक गेम से थोड़ा गलत मार दिया। नहीं सही बताऊं तो सच मेरे को यहाँ नॉकआउट हो जाना चाहिए था। लाइक जैसे वो मेरे को पेल रहा था ना, मेरे को यहाँ पे साफ साफ नॉकआउट हो जाना चाहिए था, बट अब उसकी किस्मत में कहाँ लिखा था हमको नॉकआउट करना, तो उसके लाइक क्रिएट बना दी मैंने। अब सही बताऊँ तो वो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ तुम्हारे भाई के फास्ट रिफ्लेक्स लाइक वो होते ना स्वैग वाले, लाइक ये आग लगा दी वाली चीज़ कर दी मैंने यहाँ पे। बट एनीवेज अपनी मिनी को मैंने यहाँ पे थोड़ा स्वैग में घुमाया, लेफ्ट साइड लोग ऐसे घुमाते हैं स्वैग में, सही बताऊँ तो लेफ्ट साइड घुमा के कुछ घंटा अंतर नहीं पड़ता, चाहे तुम लेफ्ट घुमाओ चाहे राइट पड़ाओ, एक ही अंतर लाइक कुछ अंतर ही नहीं है। तो इधर मैं बंदों को ढूंढ रहा था, आखिरी बंदा है वो मेरे टीममेट ने कहीं ढूंढ लिया, अब क्या करें। आखिरी बंदा तो शायद मेरे को बहुत ही कम मिलता, टर्मिनेटर किसी और को ही मिल जाता है, पर पता नहीं क्यों हर बार ऐसा होता है मेरे साथ, गलत है। देखो अब की बार हाइसेनबर्ग भैया को मिल गया, गलत है थोड़ा ना ये। बट एनीवेज गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करो सब्सक्राइब करो एंड मैं मिलूंगा तुम्हें विद अ ब्रांड न्यू वीडियो बहुत ही जल्दी। एंड मैं एक्सटन भाई, आज का गेम प्ले देख के क्या लग रहा है आपको, 4-5 तो कप चाय बना ही देंगे ना, तो लग जाएगी 2 केडी की चाय बनाने। गाइस ये सारा टाइम हो गया, मैं चलता, पीस आउट।